के अंदर जब ज्ञान उदय हुआ कि ये राक्षस है जिसको मारनी चाहिए इस मन्नत को, तब तो उन्होंने उसे वध करके नीचे गिराया और स्वयं सुरक्षित पहुंच जाते। उसके बाद दावा नाम आता, तीन बार अग्नि को खाया है भगवान ने। आप लोग गाते हो मुकाद अग्नि रह जाए था, वेद मंत्र में आता है मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ है। भगवान ही दिखाना चाहते हैं संसार का हर वस्तु का कारण नहीं, जिस मुख से अग्नि निकला है वो अग्नि को अपने ही कारण कार्य को कारण में लीन कर दे रहे। अग्नि निकला था मुख से, इसलिए अग्नि को मुख में डाल दिया और दिखा दिया विराट पुरुष जो मुख जिससे अग्नि निकला था, तो विराट पुरुष कृष्ण से अलग नहीं। कितना बड़ा शिक्षा दे रहे हैं, पूर्ण ब्रह्मत्व का ज्ञान आपको दिलाते हैं केवल लीलाओं के माध्यम से। अग्नि खाना एक लीला है और उस लीला के माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, अपने आप पूर्ण ब्रह्म सिद्ध करना चाहते हैं। बताइए लीलाओं से शिक्षा कैसी मिल रही है? यदि वे पूर्ण ब्रह्म नहीं होते तो सगुण साकार विराट रूप उनका नहीं हो सकता था, और विराट रूप में नहीं होते तो वो अग्नि को खा नहीं सकते। यदि आपके घर में या कहीं कहीं भी हो आस पड़ोस में कोई झोंपड़ी झांडी में आग लग जाए और आपको कहे आप आग को खाओ, तो नहीं खा सकते, उसको बचा नहीं सकते, क्योंकि आप अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में नहीं है। जब आप अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में पहुंच जाओगे तब आप भी उस अग्नि को क्या संसार और में कहीं भी आग लग जाए उसको खा सकते। सामर्थ्य तब बनता है जब आप अपनी ओरिजिनलिटी में पहुंचिएगा। सभी लोग अपने डुप्लीकेट वस्तु को लेकर चल रहे हैं तो ओरिजिनल वस्तु गायब ही हो रहा, पता ही नहीं चल रहा ओरिजिनल कौन सा है। छिप जाता है असलियत, छिप जाता है नकलियत में। आज जितने वस्तु मिल रहे सब नकली ही तो मिल रहे हैं। चावल देख लो, गेहूं देख लो, कुछ भी खाओ, जो भी चीज लेते हो सब यूरिया भरा पड़ा, यूरिया से बनता है वो, कोई ओरिजिनल चीज है ही नहीं। पृथ्वी हमको कुछ भी नहीं दे रही है लगता है, उसमें यूरिया डाल करके पैदा कर दिया। सब्जी ले लो, हरा सब्जी ले लो, कुछ भी ले लो, सब चीज डुप्लीकेट हो गया। इसलिए सबका दिमाग भी डुप्लीकेट होते जा रहा है। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, खा रहे हो यूरिया तो मन कैसे बढ़िया हो जाएगा, मन भी बुद्धि भी यूरिया हो गया है। इसलिए लोग आते हैं तो कहते हैं महाराज क्या करें, हमारा बच्चा जो है चाहते हैं आईएएस ऑफिसर बन जाए, बहुत बढ़िया लड़का बन जाए, खूब पढ़े लिखे, लेकिन उसकी बुद्धियों की स्मृति नहीं, जो पढ़ के आता है सुबह शाम तक भूल गया, उसकी स्मृति शक्ति खत्म हो रही है। मैं कहता तुमने स्मृति शक्ति बढ़ाने के लिए क्या खिलाया है उसको, तो यूरिया खिलाया तुमने, यूरिया खिलाया तो यूरिया से स्मृति शक्ति बढ़ती है क्या, वो तो नष्ट कर दिया। अच्छी चीज खिलाओ, सात्विक वस्तु खिलाओ, जो पौष्टिक आहार खिलाओ जिसमें यूरिया आदि का मेल मिलाप ना हो। आजकल जो फल भी पक रहे हैं सब दवाइयों से ही पका देते हो, कैसे वो आपको दम देगा, कैसे इस बुद्धि का वर्धक बनेगा। असली चीज मिल ही नहीं रहा, नकली चीज मिल रहा है तो बुद्धि भी नकली होती जा रही है बेचारी, इसलिए असलियत को पकड़ नहीं पा रहे। और असलियत को हम समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते, इसलिए हम धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। आप धर्म से विमुख क्यों हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि असलियत को समझ नहीं पाती है और तार्किक बुद्धि होती जा रही है। मिक्सचर है ना, यूरिया में क्या होता है, क्या क्या फॉस्फेट है, क्या नाइट्रेट है, क्या क्या नाम बोलते हैं, तो सब मिलावटी है, खिचड़ी है, मिलावटी। इसलिए आपकी बुद्धि भी मिलावटी हो गया, शुद्ध रहा नहीं, जो शुद्ध नहीं तो धर्म को धारण कैसे करेगा। यो सूत्रकार कहते रिदंबरा प्रज्ञा, सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा जब तक नहीं होती है तब तक आपके अंदर वास्तविक अनुभूति नहीं हो सकती। ईश्वरानुभूति करने के लिए शुद्ध बुद्धि की अपेक्षा है। पहले हमने बता दिया था वसुदेव शुद्ध मन है और देवकी शुद्ध बुद्धि है, इसलिए वहां पर कृष्ण परमात्मा प्रकट होते हैं।
आपका ये मन बुद्धि जब शुद्ध हो जाए तब आप लोगों के हृदय में भी भगवान प्रकट हो जाए, है ही अंदर में, अव्यक्त के रूप में है तो व्यक्त होना बाकी है, वो हो जाए। श्रुत्वा पर्जन्य निरतं मन्दोका विसृजन् गिरः तूष्णीं शयाना प्राग्यद्वत् ब्राह्मणान्यमात्ययो। कहते देखिए राख ला की ओर तैयारी करते हुए वर्षा ऋतु और शरद ऋतु को अपने अनुकूल बनाने जा रहे हैं। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का अनुकूल हुए बिना रासलीला नहीं हो सकती है, काल को भी अपने वश में करना है। भगवान यहां पर इस माध्यम से कह रहे हैं मेरे वश में काल भी है, दिशा भी है, प्रकृति समस्त हमारे वश में है, इसलिए मैं रासलीला कर सकता हूं, ये दिखाना चाहते। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भी अनुकूल करना जरूरी है। यज्ञ पत्नियों का प्रकरण, वेणु गीत का प्रकरण, चीरहरण का प्रकरण आता है। सबसे पहला वेणु गीत आरंभ होता है। इत्थं शरद सच्छल जलं पद्मकर सुगंधिना निविशद वायुना वातं सबो गोपालको अच्युतः अक्षं वतां फलमिदं न परं विदामः सत्य पशुनन विषे विवे सत्य पशुनन विवेशय पूर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयारनु वेणु पुजुष्टं येर्वानि पीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षं चूत प्रवाल बर्र सब कोत्पलाक्ष बालं। वेणु गीत का आरंभ होता है। वेणु गीत भगवान ने क्यों बांसुरी को बजाया? भगवान बांसुरी को बजाते हैं, गोपियों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं और गोपियों को आकृष्ट करके गोपियों के अंदर प्रेम भाव को जगाते हैं। वह प्रेम भाव जैसे भगवान की प्राप्ति करने की इच्छा होती है गोपियों को, हम भगवान को प्राप्त करें ऐसी मन में इच्छा होती है, इसके लिए वो लोग पूजा करना आरंभ करते हैं, दुर्गा जी का पूजा आरंभ करते हैं। अब देखिए वेणु गीत के बाद राष्ट्रीय वेणु गीत का समझिए, वेणु गीत में क्या हुआ, वेणु गीत में क्या हो रहा है, रहस्य समझना लायक है। भगवान ने बांसुरी बजाया, भगवान ने बांसुरी बजाया। बांसुरी क्या चीज है? बांसुरी में कितने छेद होते हैं जानते हो? कभी देखा है बांसुरी में कितने छेद होते हैं? सात छिद्र होते हैं बांसुरी में, सात छेद होते हैं। पहला दिन मैंने बताया था धुंधुकारी का प्रकरण में बांस को लेकर के, बांस में सात गांठ थे, उसका हमने घटाया आपको समझाया भी है। आप समझ लो बांसुरी क्या चीज है, बता सकते हो? आपके शरीर में जो रीढ़ का हड्डी है वही आपकी बांसुरी है। उस रीढ़ का हड्डी में सात योग चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु, सहस्रा, ये सात चक्र हैं। वह सात चक्र ही बांसुरी का सात छिद्र है। और भगवान जब उन छिद्रों में हाथ लगाकर बांसुरी को बजाता है का मतलब आपके अंदर में मूलाधार में छिपा हुआ जो शक्ति, कुंडलिनी शक्ति को जब भगवान आहत करके जगा देते हैं तब शक्ति जागृत होती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो सातों चक्र का भेदन होता है, तो आप सहस्रार में पहुंचते हैं, ज्ञान का आधार में पहुंचते। जब ज्ञान की भूमिका में आप पहुंचते हो तो होता क्या है, तो गोपियां रूपी वृत्तियां अपने आप भगवान की ओर झुक जाते हैं। माने गोपियां क्या है, आपकी इंद्रियों की वृत्तियां, ये वृत्तियां भगवान की ओर उन्मुख हो जाती हैं। कुंडलिनी जागरण के अभाव के कारण से हमारी वृत्तियां उन्मुख नहीं होते, परामुख हो चुके हैं। योग शास्त्रकार विभिन्न प्रकार के योगों का वर्णन किया इस कुंडलिनी शक्ति का जागरण करने के लिए। और लेकिन भगवान में भजन करोगे
तब भगवान स्वयं इस बांसुरी को बजाएंगे, वेणु गीत गाएंगे, तो बांसुरी बजाएंगे तो यह कुंडली शक्ति जगेगी, अपने आप आपकी वृत्तियां उन्मुख हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे, हृदय की भीतर को उड़ जाएंगे, सारी गोपियों का वृत्ति इंद्रियों की वृत्ति जब हृदय में सम्मिलित हो जाते हैं तब वहां पर परमात्मा का स्वरूप अपने निज स्वरूप प्रकट होगा, तो गोपियों को भगवान प्राप्त हो जाते हैं, इन वृत्तियों को भगवान की अनुभूति हो जाती है। ये वेणु गीत कर हंसते, इसलिए भगवान ये कहना चाहते हैं तुम अपने बांसुरी, तुम अपने जो शक्ति है, अपना सामर्थ्य है, अपना जो कुछ भी अपना समझ रहे हो तुम इस शरीर को, कि सहित सब कुछ तुम मेरे हाथ में दे। जब तक भगवान के हाथ में बांसुरी नहीं जाता तो भगवान कैसे बजाएंगे? तुम इसको मेरा करके पकड़ रखे हो तो भगवान कहते जब तेरा है तो तू ही रख ले, तू ही बजा जैसे बजाना है बजा ले। और हम अपनी बांसुरी अपना जैसे चाहे वैसे बजा रहे और दुख में दुख, दुख में दुख परेशान हो रहे, क्योंकि हमें बांसुरी बजाना आती ही नहीं है, तो क्या करें? बांसुरी बजाना केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानते। इसलिए जब हम इस शरीर रूपी बांसुरी को भगवान के चरणारविंद में अर्पित कर देते हैं तो वो इस बांसुरी को बजाएंगे, ज्ञान के आलोक में ले जाएंगे। तो वेणु गीत के द्वारा गोपियों को उन्होंने आकृष्ट किया है, गोपियों को आकृष्ट किया तो गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ करती, दुर्गा की पूजा करती है। अब दुर्गा पूजा करने लगती है, मास भर कात्यायनी व्रत होता है, एक व्रत मार्ग शीर्ष मास में जिनका विवाह नहीं हुआ या हुआ भी हो, जो उनका अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति करना हो तो मार्ग शीर्ष मास में कात्यायनी व्रत किया जाता है। तो कात्यायनी व्रत कर रही हैं कौन? समस्त गोपियां। व्रत किए बिना कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते। हमने बताया था मनमंत्रों की कहानी में, इस वैवस्वत मनमंत्र में, जिस मनमंत्र में हम लोग जी रहे हैं, हमारे लिए मनु ने क्या दिया है? व्रतानुष्ठान करने को दिया है। इस लीला के से स्पष्ट बता रहे, गोपियां आदि कात्यायनी व्रत का अनुष्ठान कर रही हैं, वृत्ति रूप गोपियों का। इस अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। अंतिम दिन पहुंचते हैं मार्ग शीर्ष पूर्णिमा का दिन, और भगवान ने क्या किया? उस युग का धर्म अलग है, युग अलग है। द्वापर युग में स्त्रियां नदियों में नंगी भी नहा लेती थी, दोष नहीं था, इन कलयुग में नियम नहीं। तो गोपियां नहा रही है, कपड़े बाहर रखा हुआ है, भगवान उन समस्त कपड़ों को चुरा करके ले जाकर के ऊपर रख दिया, पेड़ के ऊपर रख लिए और स्वयं पेड़ पर बैठ गए और बांसुरी बजाने लग गए। जैसे बांसुरी बजाने लगे गोपियों को पता लग गया कि हाँ हाँ आ गया है हमारा इष्ट, जिनको हम चाहते थे, जिनके लिए हमने व्रत किया, भगवान आए हुए हैं। लेकिन क्या करें, नदी में नहा रहे थे नंगे, अब बाहर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? लज्जा, पुरुष इष्ट पुरुष पति सामने हैं और खुले में नदी के किनारे कैसे नंगे आ रहे? लज्जित हो रही है, बाहर आना नहीं चाह रही है, वही से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है, हम लोग अपना कपड़ा ले लो फिर हम बाहर आएंगे तुमसे मिलेंगे। भगवान कहते हैं जब तक तुम अपना सर्वस्व अर्पण नहीं करते हो तब तक हम तुम्हारे पर कृपा। उन्होंने दो चीज को छिपा रहे हैं, गोपियों ने क्या किया है? दो चीज को छिपाया, एक तो लज्जा, उनको लज्जा हो रही है, अपने अंगों को छिपाना चाह रही है हाथों से, और दूसरा लोकापवाद से उनका भय है, दुनिया क्या कहेगी, उस वजह से भी वो शर्मिंदा हो रहे हैं। दो चीज है उनके अंदर, एक लोकाभिमान लोकापवाद और दूसरा लज्जा। लज्जा स्थूल शरीर का विषय है, लज्जा क्या है? स्थूल शरीर का विषय है, शरीर को छिपा रहे हैं ना, अंगों को छिपा रहे, स्थूल शरीर का मामला है। लेकिन लोग देखने वाले मुझे बुरा भला कहेंगे, ये बात क्या चीज है? मन की मामला है, तो सूक्ष्म शरीर का मामला है। मैंने स्थूल शरीर में लज्जा, सूक्ष्म शरीर में
लोकापवाद, इन दोनों के वजह से वे गोपियां बाहर आना नहीं चाहती हैं। और भगवान कहते हैं इन दोनों को भी मेरे चरणों में चढ़ा दो जिस दिन, उस दिन मैं तुम्हारे पर कृपा करूंगा। लज्जा भी त्यागना पड़ता है, लोकापवाद को भी भूलना पड़ता है। मीरा ने क्या किया, लज्जा को त्याग दिया, गली गली में नाचना फिरना चालू कर दिया। दुनिया पागल भी कह रही है, लेकिन हुआ क्या, क्या करेगी दुनिया पागल, क्या पागल, विष को प्यालो भेजियो, विष को प्यालो, विष को प्यालो भेजियो, विष को प्यालो भेजियो, मीरा जी के हाथ क्या करेगी दुनिया पार, करे आगे बढ़ो ना, क्यों वही रख रहे हैं, आगे बढ़ो, समय मरवा दे, कर चरणामृत हरि तामा, कर चरणामृत पी गई, ये दुनिया पागल, क्या करेगी दुनिया पागल। देख लो दुनिया क्या कर सकती है, जो नंदलाल चाहता वही होता है, जो भगवान चाहते वही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। क्या करेगी दुनिया पागल, होनी होई सो होई, जो मर्जी नंदलाल की बात बनेगी सोई। कवि कहता है क्यों दृष्टांत दे रहे हैं, विश्व को प्यारे भेजियो मीरा जी के हाथ, कर चरणामृत पी गई लेकर हरि का नाम। क्या कर सकता है इस दुनिया, भगवान चाहेगा तो विश्व भी अमृत बन सकता है, अमृत भी विश्व बन सकता है, मृत्यु भी टल सकता है, मृत्यु टपक सकता है। यहां पर आप देखते हैं चीरहरण में का प्रसंग, में उसको दृष्टांत दे रहा हूं। दुनिया क्या कर सकती है, भगवान चाह रहे हैं तुम लज्जा छोड़ो, लोकापवाद छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, और वही हुआ। तो बाहर आई, हाथ भी उठा ली, नहीं होकर घड़ी हो गई, तो भगवान कहते तुम्हारा इष्ट आज, अब तुम्हारा पूरा कार्य संपन्न हुआ। इसलिए गुरुदेव का स्तुति में गाया जाता है, मुझ में है जप तप में साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, मुझ में है जप तप में साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी
और बस अभिमान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। साधक कह रहा है अपने गुरुदेव के सामने में, हे गुरुदेव आप मुझे अपना शरण दिया, अपना कृपा कीजिए, मेरे अंदर क्या है, मैंने सब कुछ त्याग दिया संसार को, लेकिन मेरे अंदर दो चीज है जो त्याग नहीं पा रहा हूं, उसके लिए मैं आपके शरण में आया। निर्लज्जता है एक बाकी, एक बाकी कौन सी, निर्लज्जता, और दूसरा कौन है, और बस अभिमान है, दूसरा अभिमान है मेरे पास, लज्जा निर्लज्जता और अभिमान, ये दो मेरे पास पड़ा हुआ है, इन दोनों को काट करके मुझे भक्ति की लज्जा के अंदर लाइएगा। अभिमान को तोड़िए, मैं पना को तोड़िए, और तू पना मेरे अंदर स्थापित कीजिएगा, तत्त्वमसि का बोध कराइएगा, ये गुरु के चरणों में प्रार्थना है। और भगवान श्री कृष्ण कौन है, जगत गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, आप गाते हो कृष्णाष्टक, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरु। जब ये मानुष गुरु के आधार पर के चरणों में हम जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, तो वह तो जगत गुरु है, इसलिए गोपियों को अंत में अपनी लज्जा लज्जा सब अभिमान को उस भगवान के चरणों में डालना पड़ा। एक बात यहां पर कथा तो हो गई, इन रहस्य की ओर ध्यान देते जाइए। चीरहरण भगवान ने भी किया यहां गोपियों का, और दुशासन ने भी द्रौपदी का चीरहरण किया है, दोनों ने चीरहरण किया, लेकिन दुशासन के द्वारा किया हुआ चीरहरण का आप निंदा करते हो, नहीं करते हो, अच्छा मानते हो क्या द्रौपदी का चीरहरण को, नहीं मानते। और गोपियों का चीरहरण के मामले में क्या आप बड़े गुणगान कर रहे हो, क्या बात है, इसमें क्या रहस्य है, दोनों ने हरण किया, चीरहरण दोनों ने किया है, कृष्ण ने भी किया, दुशासन ने भी किया, दोनों अपराधी है इसलिए, लेकिन अंतर बहुत है। क्या अंतर है, अंतर यह है, दुशासन ने कहा किया था, राज्यसभा में किया है, और भगवान श्री कृष्ण कहां कर रहे हैं, एकांत जंगल में कर रहे हैं। और दूसरा, दुशासन कैसे प्रेरित है, भोग की प्रवृत्ति से प्रेरित है, और भगवान श्री कृष्ण गोपियों का व्रत का पूरा करने के लिए, उनके आवरण को नाश करने के लिए, उनके अज्ञान को नाश करने के लिए प्रवृत्त है। दूसरा, वह 12 बजे प्रवृत्त हुआ था, दोपहर का समय था, दुशासन 12 बज जाता है, 12 बजे आप जानते हैं फेमस है ना, सरदार उनके मामले में तो खूब कहते ही, 12 बजे का जो काम होता है वो अच्छा होता ही नहीं है। तो दुशासन ने दिन के 12 बजे किया था, और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म मुहूर्त में किया है, क्या अंतर है। दुशासन के कार्य का पीछे रजगुण और तमोगुण भरा पड़ा है, कृष्ण के चीरहरण का पीछे सत्वगुण भरा पड़ा है, अंतर है। दोनों चीरहरण जरूर है, लेकिन दोनों में आकाश पाताल का फर्क दिख रहा है, ये जो कोई भी बता रहा जी, अरे तुम नतमस्तक मत हो, तुमको खड़ा रहना है अभी आधे घंटे और, ठीक है, वो भी वेणु गीत सुनकर के लगता है नाच रहा है, अभी रासलीला शुरू नहीं हुआ है तब नाचेंगे, तब तक खड़े रहना पड़ेगा, रासलीला की भूमिका बांध दी जा रहे हैं। चीरहरण का मतलब आवरण का भंग होना, चीरहरण का तात्पर्य इसलिए क्या है, आवरण का भंग होना है,
वस्त्र क्या है? एक आवरण है ना, आपके अंदर के नंगापन को छिपाने के लिए है ये आवरण। इस तरह से जीव में अज्ञान एक आवरण है, यह अज्ञान रूपी पर्दा को काट देना है, इस आवरण को हटाना है। उसके लिए भगवान ने चिरहरण का लीला, गोपियों के आवरण भंग करने के लिए चिरहरण हुआ है। इस चिरहरण का रहस्य यही है कि गोपियों में जो अज्ञान शेष था, जिसके वजह से वो रासलीला की अधिकारी नहीं हुई थी, वह अधिकारी बनाने के लिए भगवान ने उनका आवरण को भंग कर दिया। लक्ष्य भी अलग था, दुशासन का लक्ष्य अलग है, कृष्ण का लक्ष्य अलग है। दुशासन का लक्ष्य केवल अपमानित करने का था, कृष्ण का लक्ष्य है जीव को, गोपियों को अपना स्वरूप में ले जा करके मुक्ति देने का था। कितना हर दृष्टि से विचार करके देखते हैं, वह चिरहरण निकृष्ट कोटि का है और यह चिरहरण उत्कृष्ट कोटि का मुक्तिदायक है। इसलिए यहां पर ऋषियों ने कहा है, ये जो आपका जो चिरहरण प्रक्रिया है, इसको निज दृष्टि से नहीं ग्रहण करना, अन्य चिरहरण को समझना, इसको केवल आवरण भंग की प्रक्रिया समझनी चाहिए। यहां ये कृष्ण लीला हो रहा है, उसके पर आप लोगों का ध्यान चला जाता है तो रहस्य छूट जाएगा। कृष्ण लीला कर रहा है यहां पर, लोगों का ध्यान बार बार उस तरफ चला जा रहा है, तो लीलाओं का रहस्य नहीं समझ पाओगे। बाह्य वृत्तियों को काटना यही तो अभी बोले हैं, उन्मुख करना है। वेणु गीत के द्वारा वृत्तियों को अंदर करने के लिए रहस्य बताया है। बाह्य चीजों पर ध्यान नहीं देना, जो कार्य उस पर ध्यान देना। या तावला वृजन सिद्धा मये मारंसिता क्षवाह वो बुद्धिश्य वृदम विदम चेरोरार आर्यार्चनम सती। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गोपियों को, तुम्हारा व्रत अब पूरा हो गया है, लेकिन तुम्हें रुकना पड़ेगा। तुम जो चाह रही हो उसके लिए शरद ऋतु तक तुम्हें रुकना पड़ेगा। कर रहे मार्ग शीर्षमास में, तो शरद ऋतु आएगा पूरा एक साल बाद करीब करीब, तब रासलीला होगी। और उस बीच में भी विघ्न आ जाए तो, इसलिए भगवान बड़े चालाक है, वचन देते गर्व एक शरद ऋतु में रासलीला होगी, अगले साल का शरद ऋतु नहीं बोला, क्योंकि उनको मालूम था अगले साल के शरद ऋतु में बहुत बड़ा व्यवधान आने वाला है, वह व्यवधान को लांघना है। अतएव भगवान ने जो है केवल शरद ऋतु वचन दिया, तुरंत अगले साल के शरद ऋतु में रासलीला नहीं किए, उससे भी अगले साल में जाकर के रासलीला होता है। कैसे उसका विचार फिर प्रकट करूंगा। अभी के पहले कर्म पर विजय हुआ और वासनाओं पर विजय भी करना है। कर्म उपासना इन दोनों से जब परे हो गए तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी तक जितना भी आपने देखा वे सब राक्षस का स्वरूप, अभिमान अहंकार दंभ माया छल कपट काम इत्यादि थे। ये सब क्या है? वायु क्रिया रूप में दिखने वाला वस्तु, क्रिया रूप में बाहर दिखता है। क्रिया प्रधान है तो कर्म प्रधान। आप दिखाना चाहते अंतिम लीला ले रहे कर्म का स्वर बताने के लिए कि कर्म से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, वह दिखाने के लिए अंतिम लीला यज्ञ पत्नियों की लीला है। भगवान श्री कृष्ण एक बार लीला करते हुए अपने ग्वाल बालों के साथ जंगल में जाते हैं, गौं को लेके गए हुए हैं, दिखाना चाहते हैं वे कर्म भी भगवान से मिलने में बहुत बड़ा बाधक है। तो कैसे बताएं? इसलिए उन्होंने ऐसे लीला किया कि भूखा नाटक किया, मैं भूख लग गया, मुझे भूख लग गया, और कहते हैं स्वयं न जाकर के ग्वाल बालों को कहते जाओ आस पास में कोई गांव होगा वहां से थोड़ा हमारे लिए रोटी चावल ले आओ। तो ग्वाल बाल गए पास के गांव में, तो हो क्या रहा है गांव में? कर्मकांड हो रहा है, अग्निस्वाहा प्रजापतिस्वाहा गणेशस्वाहा हो रहा है, अग्निहोत्र किया जा रहा है, प्रजापति किया जा रहा है, याज्ञिक लोग जो है ब्राह्मण लोग अपने कर्मकांड में लगे हुए हैं। ग्वाल बाल उनके पास जाते भगवान, भगवान श्री कृष्ण आए हुए हैं, उनके लिए कुछ भिक्षा चाहिए। बोलो अग्निस्वाहा प्रजापतिस्वाहा, उधर देख भी नहीं रहे हैं। कर्म ऐसा जड़ तत्व है जो आगे भगवान की तरफ उन्मुख भी नहीं करता क्षण भर के,
क्षण भर के लिए भी आप कर्म से कर्म में यदि निष्ठा रख करके कर्म में ही जमे रहोगे भगवान की तरफ मुख नहीं रख सकते। यही हुआ वहां पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, वाल बालों की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन भक्ति जहां पर रखती है वहां पर अलग बात है। विहित वाल बाल पत्नी शाला में गए, जागरण ब्राह्मणों की पत्नियां बैठी हुई थी, उनसे जाकर कहती है भगवान श्री कृष्ण के लिए रोटी चाहिए, तो वो क्या कर रही है, वो दिए क्या, कोई रोटी नहीं दिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, तुरंत ही अपने साथ सजावट किया फटाफट, और जो कुछ भी रेडीमेड माल था, आचार बाजार रोटी पोटी पैक पैक जो भी आपके फ्रिजों में रहता है ना, फल फूल सारे उठाए, गठरियां बांधी, फटा भागते पड़े, रोक रहे थे, कोई भी रोक नहीं सका। तो सारे यज्ञ पत्नियों ने क्या किया, सीधे जंगल में कृष्ण भगवान के पास पहुंच गए। कहने का तात्पर्य यहां पर कर्म भगवान से विमुख कर सकता है, लेकिन उपासना भगवान की ओर ले जाने वाला होता है। यज्ञ पत्नियां उपासना है और यज्ञ पुरुष ब्राह्मण वो कर्म का रूप है, इसलिए उनसे कर्म करा रहे हैं। और यज्ञ पत्नियां भजन कर रही थी, भजन करने वाले यज्ञ पत्नियों से मांग लिया तो स्वयं ही वो लोग पहुंच जाते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। कर्म भगवान के चरण में पहुंचने बहुत भारी व्यवधान है, इसलिए उपासना जरूरी है। उपासना के बिना हम परमात्मा के चरणों के पास पहुंच नहीं सकते, लेकिन केवल उपासना रहेगा तो भी काम नहीं चलता है। क्यों, अंत यज्ञ पत्नी वापस लौट गई अपने घर, भगवान में समाहित नहीं हुई। जैसे गोपियां सदा सदा के लिए भगवान के चरणों में अर्पित हो गई थी, वैसे वे अर्पित तो नहीं हुई। कहने का तात्पर्य उपासना थोड़ा सूक्ष्म व्यवधान है, कर्मकांड स्थूल व्यवधान है, लेकिन दोनों से जब परे उठोगे तभी ज्ञान तुमको पचने वाला है। उपासना पकड़ के रखो तो भी ज्ञान पचता नहीं। कितनी बड़ी रहस्य खोला, छोटी सी लीला है देखने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों से भीख मांग रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, और एक ही पत्नी आकर के उनको खिला रहे हैं। कथा तो इतनी सी है, उन्होंने आया खिलाया और वो कहने लगे हम घर नहीं जाएंगे। कृष्ण ने समझाया नहीं ऐसा नहीं, पतियों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, बस समझा बुझा कर वापस भेज दिया। कथा तो सीधी सी है, रहस्य कितना बड़ा है। ब्राह्मण का तात्पर्य कर्मकांड है, पत्नियों का तात्पर्य उपासना है, लेकिन उपासना भी आप भगवान को नजदीक पहुंचाते हैं, लेकिन वहीं पर समाहित होने नहीं देते, आपको वहां से लौटना पड़ जाता है। इसलिए उपासना उनसे करने पर केवल अतिरिक्त हो, उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक तक भी आप पहुंच जाओगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं आपको ब्रह्मलोक में ज्ञान। कई लोग हैं जो अगले कल्प में जन्म ले लेते हैं, पुराण में कहानी कल कल्पांतरों से आ रहे हैं सब, उनका रिजर्वेशन रहता है पहले से ही, कौन इंद्र बनेगा अगले कल्प में, अगले मनमंत्र से इंद्रों का वर्णन है, अगले कल्प में कौन ब्रह्मा बनेगा उसका भी रिजर्वेशन लिस्ट है पहले से ही सबका। तो इसीलिए यह कोई जरूरी नहीं है कि आपको उपासना से पूर्ण ब्रह्म का अनुभूति हो जाए। ये शिक्षा यहां पर यज्ञ पत्नियों की लीला के माध्यम से भगवान देना चाहते हैं। कर्म और उपासना ये साधन है, नौका केवल पार करने के लिए होता है, लेकिन घर पहुंचना है तो नौका को छोड़ना पड़ता है। कार से आ गए और मान लो नीचे ही बैठे रहते कार में, छोड़ते नहीं आप कार को, तो यहां आ सकते थे क्या? साधन है कार, उसको भी छोड़ना पड़ेगा, तब तुम यहां यज्ञ मंडप में आए हो, भागवत सुन रहे हो। कर्म और उपासना साधन है, इन साधनों को पकड़े रहोगे तो साध्य में पहुंच नहीं सकते। साधन को त्यागोगे तब साध्य में एक रूप को प्राप्त करो। ये शिक्षा यहां पर यज्ञ पत्नियों की लीला के माध्यम से भगवान ने दिया है। और आगे बढ़ते हुए देखिए भगवान की लीला, इंद्र यज्ञ का निवारण। इंद्र को बहुत बड़ा अहंकार हो गया कि मैं ही सबसे बड़ा देवता हूं, सारी दुनिया मेरे को पूजा करता है, इंद्राय स्वाहा, उसके जिए बिना तो काम ही नहीं होता, कोई यज्ञ ही नहीं होता। ये तीन ऐसा देवता है, अग्नि प्रजापति और इंद्र, इन तीनों को स्वाहा दिए बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं है। ये तीन मंत्र तो हर हवन में आता है,
है ना, अग्नेश्वर प्रजापति स्वा डाले बिना दाएं बाएं अग्नि शुद्ध होती ही नहीं है, ये ब्राह्मण लोग कर्मकांड जानते हैं। और बीच में इंद्राय स्वा सोमाय स्वा देना पड़ता है, वो नहीं देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो ये तीन देवता ऐसे हैं, उनमें से भी इंद्र तो राजा, अहंकार होना स्वाभाविक है, उसको अहंकार हो गया मेरी पूजा होनी चाहिए। और यहाँ वसुदेव वगैरह यज्ञ करने जा रहे थे, उस यज्ञ में उन लोगों ने भी इंद्र को ही पूजा करना चाहते थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने रोका, अब साक्षात भगवान तेरे सामने में खड़ा है, इसको छोड़ करके कहा तुम इंद्र सिंद्र को देने जा रहे हो। लेकिन सीधे शब्दों में नहीं बोला कि मैं भगवान मेरी पूजा करो, बोलेंगे तो कौन मानेगा, यदि आपके सामने में भगवान खड़ा हो जाए आप थोड़ी मान लेंगे भगवान है, आप कहेंगे पता नहीं कोई डुप्लीकेट होगा, स्वप्नों में जैसे बहुत दिखाई पड़े हैं ऐसे ये भी कोई दिखाई पड़ रहा होगा, मानोगे नहीं। इसलिए बीच में गुरु को माना है ना, बीच में गुरु चाहिए, गुरु ही आपको भगवान का पहचान कराता है, गुरु के बिना कार्य संपन्न नहीं है। अब यहां पर इंद्र यज्ञ का निवारण कर रहे हैं, इससे यह भी सिद्ध कर रहे हैं यहां पर भी कर्म गौण है, और देव पूजा को भी निषेध करते हैं, देव पूजा भी गौण होता है, देव पूजा के माध्यम से आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, इसलिए भी उन्होंने इंद्र का पूजा को रोक दिया। और कहते हैं क्या, कहते हैं कि देखो भक्ति मार्ग में दो बात होता है, एक तो भगवान का भक्ति की जाता है और दूसरा भगवान के भक्तों का भक्ति की जाती है, दो बात होती है, भगवान की भक्ति करो या भगवान के भक्तों का भी भक्ति करो तभी उद्धार हो जाएगा। गजग्रह कहानी में आपने देखा था गजेंद्र में, पहले भगवान ने किसका उद्धार किया, भक्त का नहीं, भक्ति भी भक्त का उद्धार करो, भक्त का जिसने पैर पकड़ा था, गजेंद्र भगवान भगवान के भक्त थे है ना, गजेंद्र तो भगवान का भक्त था, ग्रह तो नहीं था, लेकिन ग्रह का पहला उद्धार हुआ, ग्रह का उद्धार पहले हुआ सुदर्शन चक्र से, बाद में गजेंद्र का उद्धार हुआ स्पर्श से, ये आप वहां देखते हो विशेषता। तो भक्त का भी भक्त का उद्धार पहले होता है, इसलिए तुम भगवान का डायरेक्ट पूजा नहीं कर सकते हो, भक्त का पैर पकड़ लो, साधु महात्मा का पैर पकड़ लो, ये भगवान के भक्त है तब भी आपका कल्याण हो जाएगा, ये यहां बताना चाहते हैं। इसलिए इंद्र है कौन, भगवान का भक्त, तो भगवान की पूजा और भक्त की पूजा दोनों में कौन श्रेष्ठ है। यदि आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते हो तो आप भक्ति पूजा करेंगे, और ये भगवान की ही पूजा आप कर सकते हो तो फिर भक्ति पूजा की अपेक्षा नहीं रहती। इसलिए भगवान ये दिखाना चाहते हैं मेरे भक्त की पूजा करने की अपेक्षा से मेरी पूजा करके तुमको ज्यादा फल मिलेगा। भक्त तो केवल माध्यम होता है और भगवान तो सीधा साध्य ही है। यह अंतर को समझाने के लिए भगवान यहां पर इंद्र यज्ञ का निवारण करता हुआ आपको ले चलते हैं किस तरफ, गोवर्धन धारण की लीला करने की तरफ ले जा रहे हैं। गोवर्धन धारण कैसे होता है इस रहस्य को थोड़ा ध्यान देना, पीछे की लीलाओं का इस लीला के साथ संबंध को पकड़ना है।